गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर एमी इमरान सर। बीईसी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका यूज हम लोग फिजिक्स में आने वाले हर एक चैप्टर के अंदर करेंगे। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स वेक्टर। क्या नाम है इसमें बताइए? वेक्टर। वेक्टर फिजिक्स में इसका स्टूडेंट्स बहुत ही यूज है वेक्टर्स का। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे कि वेक्टर कहते किसे हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो एंड फॉलो करता हो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसको स्टूडेंट्स हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कोई भी वेक्टर को स्टूडेंट्स हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं एंड उसके ऊपर क्या लगाते हैं? एक एरो लगाते हैं। ये जो एरो है स्टूडेंट्स, ये जो एरो है, यानी इस एरो में दो चीजें, एक इसका लेंथ और एक इसका कैप। तो लेंथ ऑफ एरो ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को एंड कैप, इसको कहा गया स्टूडेंट्स कैप। कैप डिनोट करता है स्टूडेंट्स डायरेक्शन को। कैप डिनोट करता है किसको स्टूडेंट्स? देखे डायरेक्शंस को। कैप डिनोट करता है डायरेक्शंस को। ओके, अब किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसके मैग्नीट्यूड एंड साथ में क्या चीज? डायरेक्शन, साथ में डायरेक्शंस। ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर ए। वेक्टर ए इसे कहा गया स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इसे कहा गया स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बाद में चल गए स्टूडेंट्स इसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अब इसे स्टूडेंट जब भी हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत होगा तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए। ये जब मल्टीप्लाई में है तो हम मैग्नीट्यूड को किधर कर लेंगे? डिवाइड में। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स, देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं एक बेस वेक्टर। बेस वेक्टर क्या है? देखिए एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और इसका यूज हम लोग करते हो किसके लिए? यूज करते हैं हम लोग डायरेक्शंस पर्पस के लिए। मैग्नीट्यूड हो गया 1 एंड यूज किया जाता है यूज
फॉर डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इन तीनों का मैग्नीट्यूड एक है. इन तीनों का मैग्नीट्यूड एक है मतलब इन तीनों का मैग्नीट्यूड तो एक हो गया, और मैग्नीट्यूड हो गया वन, और डायरेक्शन किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस. डायरेक्शन हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड भी वन हो गया, और डायरेक्शन करते हैं अलोंग वाई एक्सिस, इसका भी मैग्नीट्यूड वन हो गया. यूज किया जाता है अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस. तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों कहलाते हैं बेस वेक्टर्स, जिसका मैग्नीट्यूड एक हो गया, और इसका यूज किया जाता है फॉर द डायरेक्शन पर्पस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली. यानी मैग्नीट्यूड को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया गया इस तरह से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के इक्वल टू कितना हो गया देखिए वन. यूज किया जाता है किसके लिए, इसमें बताइए डायरेक्शन पर्पस के लिए. जैसे देखिए यहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस में अगर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग आई कैप यूज करेंगे, वाई एक्सिस में जे कैप एंड जेड एक्सिस में यूज करेंगे के कैप. जेड एक्सिस में क्या यूज करेंगे इसमें देखिए के कैप, जेड एक्सिस में यूज करेंगे के कैप. नेक्स्ट देते हैं स्टूडेंट्स लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट, ऑफ पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड. अब देखिए स्टूडेंट्स एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड, इसको आप वेक्टर में किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे. ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर एक्स, ये रहा वाई डायरेक्शन, ये रहा जेड डायरेक्शन. इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0,0. सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ए एक्स, तो एक्स में चलते हैं ए एक्स. वाई में कितना ऐसा देखिए ए वाई, और जेड में कितना ऐसा देखिए ए जेड. ये पॉइंट हो गया. तीनों का स्टूडेंट्स हम मिलाएंगे, देखिए तीनों को मिलाकर स्टूडेंट्स हम लोग एक क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं क्यूब. क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स क्यूब, या हम कह सकते हैं क्यूबॉइड बनाएंगे. किस तरह से स्टूडेंट देखिए ये रहा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस. ये पॉइंट क्या है देखे ए एक्स, ये पॉइंट क्या है देखे ए वाई, और ये पॉइंट क्या है देखे ए जेड. इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दिए हैं, इस पॉइंट को नाम दिया पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड.
जैसे स्टूडेंट्स हम लोग ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाओगे, ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाओगे, इस पॉइंट को पी कहा गया है, ओ से लेके पी, ओ से लेके पी। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस ओ से पी पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं पोजिशन वैक्टर। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट बताइए? पोजिशन वैक्टर, पोजिशन वैक्टर। इस ओपी को कहा गया पोजिशन वैक्टर। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, एक टर्म निकला पोजिशन वैक्टर, ओ से पी, ओ से पी, पोजिशन वैक्टर, ओ से लेकर के पी, जहां पे ओ है इनिशियल पॉइंट और पी है फाइनल पॉइंट। ओ इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एंड पी रिप्रेजेंट करता है फाइनल पॉइंट को, पी रिप्रेजेंट करता है फाइनल पॉइंट को, ओ से लेके पी तक। मान लीजिए स्टूडेंट्स, इस पोजिशन वैक्टर को हम लोग डिनोट कर रहे हैं वैक्टर आर से। इस पोजिशन वैक्टर को हम लोग डिनोट किया वैक्टर आर से। अब इसका वैल्यू क्या होगा इसमें देखे, ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप एंड जेड डायरेक्शन में कितना है के कैप। तो इस पोजिशन वेक्टर को लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। इस ए एक्स ए वाई एंड ए जेड को, ए एक्स ए वाई और ए जेड, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, और ये स्टूडेंट्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, ए एक्स का नाम हो गया, ए वाई का नाम हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्स एंड ए जेड का नाम हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड एक्सिस। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसी का एक और नाम है, इन तीनों को मिला करके हम लोग कहते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो। क्या नाम देते हैं देखिए, डायरेक्शन रेशियो। इस ए एक्स ए वाई एंड ए जेड को हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, डायरेक्शन रेशियो। अब यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन वेक्टर आर। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो ये भी हम लोग निकालते हैं। इसी पोजिशन वेक्टर का स्टूडेंट्स हम लोग निकालते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इस वेक्टर आर का हम लोग क्या निकालते हैं मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंट होगा इस तरह से, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस का कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। अब निकालते हैं स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर, रिप्रेजेंट किया वेक्टर आर से, इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर प्लस का ए जेड स्क्वायर। यदि स्टूडेंट सब लोग इसे डिवाइड कर ले अलग अलग तो ये बनेगा ए एक्स अपॉन इट्स का मैग्नीट्यूड आई कैप प्लस ए वाई अपॉन अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड और साथ में जे कैप प्लस का ए जेड अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड इंटू में के कैप, इंटू में क्या है देखे के कैप। ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर ए कैप, वेक्टर ए कैप यानी इसका यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो तीन टर्म बन गया, तीन टर्म कौन कौन से देखे, यहां जो तीन टर्म बन गया एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड, एक्स अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ए वाई अपॉन इसका मैग्नीट्यूड एंड ए जेड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये कहलाता है स्टूडेंट्स एल, ये कहलाता है एम और ये कहलाता है एन। इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं स्टूडेंट बताइए, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन
कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, इस डायरेक्शन कोसाइन को स्टूडेंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉस अल्फा से, इसको कॉस बीटा से, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉस गामा से। अब बात आता है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, तो ध्यान से देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दिस इज वेक्टर ए या वेक्टर आर, ये पॉइंट है अल्फा, ये हो गया एंगल बीटा और ये एंगल हो गया स्टूडेंट्स क्या गामा। तो अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल मेड बाई वेक्टर आर, वेक्टर आर विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, तो अल्फा बीटा एंड गामा ये है एंगल, एंगल मेड बाय वेक्टर आर विद विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ध्यान से देखिए सर, कोई भी यूनिट वेक्टर है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है इस तरह से, यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर का अगर स्टूडेंट्स हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर लें, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आर कैप कितना होता है इसमें देखिए वन, कितना होता है इसमें देखिए वन, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है इसमें देखिए वन। तो ये रहा स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर आर आर कैप। अब इसी को स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है आर कैप इक्वल्स टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस का कॉस गामा गामा के कैप। अगर दोनों तरफ स्टूडेंट्स इसका मैग्नीट्यूड निकाले मैग्नीट्यूड, तो ये बनेगा आर कैप मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा। मैग्नीट्यूड कितना हो गया देखिए फ्रेंड्स, आर कैप इक्वल टू वन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा। जैसे स्टूडेंट्स स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो बना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। ये रिलेशन का स्टूडेंट्स आप याद रखोगे। इस कॉस के जगह पर स्टूडेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन, इक्वल टू कितना देखिए वन इक्वल टू वन। यदि स्टूडेंट्स आप इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, कॉस को किसमें साइन कन्वर्ट करो स्टूडेंट देखिए साइन में, तो पहला बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस का वन माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। तब रिलेशन क्या बनेगा स्टूडेंट देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू टू। इस रिलेशन को भी स्टूडेंट्स हमें क्या करना है याद रखना है, साइन के टर्म में यहाँ पे आंसर होगा टू एंड कॉस के टर्म में आंसर कितना होता है इसमें देखिए वन, कितना आंसर होता है इसमें देखिए वन। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं, क्या देखते हैं स्टूडेंट बताइए, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट है स्टूडेंट देखिए वेक्टर के सबसे फर्स्ट टाइप में हम लोग देखते हैं इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। अब देखिए फ्रेंड्स इक्वल वेक्टर्स होने के लिए कम से कम कितने वेक्टर्स चाहिए, दो वेक्टर्स, दो वेक्टर्स में एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, ये दोनों इक्वल होंगे ओनली 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 व्हेन, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है ओनली ओनली व्हेन इट्स
मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखे, इसका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। डायरेक्शंस आर इक्वल, डायरेक्शंस क्या होना चाहिए इसमें देखे, इक्वल होना चाहिए, तब ये दोनों वेक्टर कहलाते हैं क्या चीज, इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप इक्वल टू लिखा हुआ है कितना देखे, टू आई कैप माइनस का थ्री जे कैप प्लस का फोर के कैप। अगर ये दोनों इक्वल है तो ए एक्स इक्वल होगा टू के, ए वाई इक्वल होगा माइनस थ्री के, एंड ए जेड इक्वल होगा कितना के, लिखे फोर के। किसके इक्वल होगा इसमें लिखे, फोर के इक्वल होगा। ओके, ये कहलाता है हमारा इक्वल वेक्टर्स। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्शंस को क्या बोला गया है, इक्वल, डायरेक्शंस इक्वल है। मान लीजिए ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, दोनों के डायरेक्शंस को हमने क्या मान लिया इसमें देखे, इक्वल। तो जब भी स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स जिसके डायरेक्शंस इक्वल हो, ऐसे वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट किसको, पैरेलल वेक्टर्स के। फर्स्ट हो गया, सेकेंड पॉइंट हम लोग यूज करते हैं पैरेलल वेक्टर्स को। पैरेलल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शंस आर इक्वल, टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर्स जिसके डायरेक्शन सेम हो उसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट बताइए, पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। तो सेकंड टाइप हो गया। थर्ड लिखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग नेगेटिव वेक्टर्स, थर्ड लिखते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स मान लिया स्टूडेंट्स कोई वेक्टर ए है, उस पर अगर स्टूडेंट्स माइनस साइन अप्लाई करते हो तो ये वेक्टर जो कन्वर्ट होगा वो क्या बन गया, वेक्टर बी। तो इसको कहते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव वेक्टर। किसी वेक्टर के नेगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर जो बन के आएगा उसे स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर होने के लिए स्टूडेंट्स दो कंडीशन इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट उसके मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो ओनली व्हेन, पहला पॉइंट क्या है इसमें देखिए, मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, आर इक्वल, एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो गया इसमें देखे, डायरेक्शंस आर अपोजिट, अपोजिट। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए ये रहा वेक्टर ए और इसके अपोजिट डायरेक्शन को ले लो मैग्नीट्यूड भी बराबर, ये बन गया वेक्टर बी। दोनों में रिलेशन कैसा हो गया, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गया स्टूडेंट्स, अपोजिट हो गया। ओके, अगर स्टूडेंट्स हमारा डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे देखिए यह वेक्टर ए एंड अपोजिट डायरेक्शन में यह बना वेक्टर बी, वेक्टर बी, तो इस तरह के वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग एक नया टाइप कहते हैं, इसको कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स जिसके डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस। दो वेक्टर्स जिसके डायरेक्शन अपोजिट हो कहलाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट बताइए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स यानी टू वेक्टर्स जिसका लाइन ऑफ मोशंस क्या हो स्टूडेंट बताइए, सेम हो, टू वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ मोशंस, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ मोशंस। किस तरह से देखे, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर सी, तीनों का लाइन ऑफ मोशन अगर सेम हो गया तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे भी कहा जा सकता है स्टूडेंट देखिए,
एक लाइन है, इस लाइन पे कोई तीन पॉइंट है, ये रहा पॉइंट ए, ये वेक्टर बी और ये कोई वेक्टर सी, तो ये कहलाते हैं स्टूडेंट हमारे कोलिनियर वेक्टर्स। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट बताइए, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं, जिसका लाइन ऑफ मोशन क्या हो जाए स्टूडेंट बताइए, सेम हो जाए। चाहो तो स्टूडेंट्स इसमें इस बी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये रहेगा कोलिनियर वेक्टर्स। इसका लाइन ऑफ मोशन क्या हो जाता है स्टूडेंट बताइए, सेम होता है, लाइन ऑफ मोशन सेम हो जाता है, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। इस कोलिनियर वेक्टर्स में हम लोग दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक को कहेंगे पैरेलल वेक्टर और एक क्वेश्चन हम लोग कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब इस पैरेलल वेक्टर्स का एक टाइप होता है जिसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर्स, और इसी एंटी पैरेलल वेक्टर्स का एक टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट बताइए, नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर सिक्स, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स का क्या मतलब हो गया सुन देखे, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स, जिसके इनिशियल पॉइंट्स क्या सुन देखे सेम हो जाए। जैसे ये रहा ओरिजिन, यहां से ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी और ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर सी, जिसके इनिशियल पॉइंट क्या हो सेम हो, तो उसे कहा जाता है स्टूडेंट्स को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट हो गया स्टूडेंट्स सिक्स नंबर, कंकरेंट वेक्टर्स। कंकरेंट वेक्टर्स, कंकरेंट वेक्टर्स का क्या मतलब है इसको देखिए, थ्री वेक्टर्स जिसका जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सेम हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उसे कंकरेंट वेक्टर्स कहते हैं। थ्री वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स, यह हो गया स्टूडेंट्स कंकरेंट वेक्टर्स। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर सी, कंकरेंट वेक्टर्स। सेवन नंबर पॉइंट क्या है, देखें सेवन नंबर पॉइंट है स्टूडेंट्स प्लेनर वेक्टर्स, प्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन सेम प्लेन इज कॉल्ड प्लेनर वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो एक ही प्लेन में उसे कहा जाता है स्टूडेंट्स प्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स विच हैव सेम प्लेन, अगर सेम प्लेन हो तो वो कहलाता है प्लेनर वेक्टर्स। और यहां पे स्टूडेंट्स एक नोट पॉइंट होता है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज प्लेनर वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज ऑलवेज प्लेनर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं स्टूडेंट बताइए प्लेनर वेक्टर्स होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर एट हो सकता है टाइप्स ऑफ वेक्टर का, वो होगा नॉन प्लेनर वेक्टर्स, नॉन प्लेनर वेक्टर्स, नॉन प्लेनर वेक्टर्स। कम से कम तीन वेक्टर्स चाहिए, यानी कि वेक्टर्स विच हैव डिफरेंट प्लेन्स,
three or more vectors which have different plane. उसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं नॉन प्लेनर वेक्टर्स, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ये रहा स्टूडेंट्स एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. और ये जो वेक्टर स्टूडेंट देखिए वेक्टर सी, ये दूसरा प्लेन है वाई जेड प्लेन के अंदर. ये तीनों वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हो गए स्टूडेंट बताइए? ये वेक्टर्स हो गए नॉन प्लेनर वेक्टर्स. क्या हो गया स्टूडेंट बताइए? नॉन प्लेनर वेक्टर्स. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल का माध्यम समझिए. एंटी क्लॉक वाइज एक्सटेंस ऑफ डायरेक्शन लीजिए. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक्सटेंस ऑफ डायरेक्शन को क्या माने हैं? एंटी क्लॉक वाइज. अब इस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को आप एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में अगर उंगली ऐसे घुमाते हो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो थंब आपको किधर देखा जाए? बाहर की ओर. तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. किसको रिप्रेजेंट किया है? वेक्टर को. इस वेक्टर को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स. क्या कहते हैं स्टूडेंट बताइए? एक्सियल वेक्टर्स. तो पॉइंट नंबर 9 क्या हो गया देखे? एक्सियल वेक्टर्स यानी दोज वेक्टर्स जिसको आप लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हो. किसे निकालते हैं स्टूडेंट बताइए? राइट हैंड थंब रूल से. तो वैसे वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स. एक्सियल वेक्टर्स क्या हो गया? वैसा वेक्टर्स जिसको निकालने के लिए, जिसके डायरेक्शन को निकालने के लिए आप यूज करते हो राइट हैंड थंब रूल, उसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स. इस वेक्टर्स की खास बात क्या है? देखिए ये हमेशा पास करता है कहां से? ये वेक्टर हमेशा पास करता है ओरिजिन से. ओरिजिन कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट? देखिए ये हमेशा पास करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से. कहां से पास करता है स्टूडेंट बताइए? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है. ऑलवेज पास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. और इस वेक्टर के स्टूडेंट्स इनिशियल पॉइंट हमें नोन नहीं होता है. डज नॉट नोन इनिशियल पॉइंट. डज नॉट नो इनिशियल पॉइंट. इसके इनिशियल पॉइंट हमें मालूम नहीं होता. ऐसे वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स. इसके कुछ एग्जांपल होते हैं. देखिए एग्जांपल्स हो गए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट एग्जांपल एंगुलर स्पीड. नेक्स्ट एग्जांपल एंगुलर एक्सेलरेशन. टॉर्क. एंगुलर मोमेंटम. ये सब कहलाते हैं एक्सियल वेक्टर्स. क्या कहलाते हैं स्टूडेंट बताइए? एक्सियल वेक्टर्स. दोज वेक्टर्स यानी कि हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट नोन एंड ऑलवेज पास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एंड टू फाइंड इट्स डायरेक्शन वी ऑलवेज यूज राइट हैंड थंब रूल. क्या यूज करते हैं स्टूडेंट बताइए? राइट हैंड थंब रूल. फॉर डायरेक्शन वी यूज राइट हैंड थंब रूल. जिसके डायरेक्शन को स्टूडेंट्स आप निकालते हो राइट हैंड थंब रूल से, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स. क्या कहते हैं स्टूडेंट बताइए? एक्सियल वेक्टर्स.
चले फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इनिशियल पॉइंट आपको मालूम नहीं था। अब कुछ ऐसे भी वेक्टर्स है जिसके इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होते हैं, नोन होते हैं, उसे फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर्स। क्या कहते हैं उसको बताइए, पोलर वेक्टर्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 10, पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्या होगा, देखिए दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट, इसी इनिशियल पॉइंट को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स, और इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन is known as polar vectors। उसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर्स। जैसे फोर्स, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, ये सब के सब कहलाते हैं स्टूडेंट्स पोलर वेक्टर्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने सीखा कि किसी भी वेक्टर्स के आप मैग्नीट्यूड को किस प्रकार से निकालते हो, उसके डायरेक्शन को किस प्रकार से निकालोगे, उसके डायरेक्शन रेशियोज को कैसे फाइंड करोगे, उसकी डायरेक्शन रेशियोज को कैसे फाइंड करोगे, एंगल मेड बाय वेक्टर्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस जिसको अल्फा बीटा एंड गामा कहते हैं, उसे आप कैसे निकालोगे, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों ने देखा। फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, आप इसके डेरिवेशन को देखें। और फिर लास्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे और वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स यानी 10 टाइप्स को हम लोगों ने कवर किया। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सके। अगर स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।